है कि इंडिया का शॉर्ट टर्म बजट क्या आया कि रॉयटर्स तक पर धूम मच गई। जो बड़ी स्टोरी है, जो इंडिया से आ रही है स्टोरी, इंडिया के डिफेंस बजट के हवाले से, मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो पिछले साल की बनिस्बत इस साल 3.7% ज्यादा बढ़ा है। तो इस बार का जो बजट है वो लगभग 6.21 लाख करोड़ रुपीज है, लेकिन इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो पूरी दुनिया का 6% है। इंडिया ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है तो पाकिस्तानियों के नजदीक वो पाकिस्तान के लिए बढ़ाया गया है। में जो टॉप की इकोनॉमीज हैं जो 2024 में परफॉर्म करेंगी उसमें इंडिया है, चाइना के लिए बढ़ाया गया है, सारा यूरोप ऑस्ट्रेलिया ये पीछे रह गया और इंडिया ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा दिया है या अपनी आर्मी को बेहतर करने के लिए बढ़ाया गया। इंडियन अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि हमने 250 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से निकाला है। ये बहुत बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं कि 250 मिलियन इंडियंस का उन्होंने कहा कि पावर्टी लेवल से अपलिफ्ट इन सबको कर लिया है। और वो कह रहे हैं कि हम जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में बनेंगे और हमारी जो ट्रिलियन $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कुछ ही सालों में हो जानी है। इंडिया का इस बजट में ये कहना है कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है और 2047 तक वो कह रहे हैं हमने डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाना है। दिस वाज अ रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो पूरी दुनिया का 6% है, यानी कि अगर पूरी दुनिया 100 रुपया लगा रही है डिफेंस के ऊपर तो इंडिया 6 रुपये डिफेंस के ऊपर लगा रहा है। दैट्स वेयर द इंडियन डिफेंस हैज रीच्ड। और दुनिया को इस चीज़ का पता है कि इन्फ्लेशन है, सब कुछ है, लेकिन वो क्या कहते हैं, जितने ज़्यादा मसले होंगे उतना ज़्यादा पैसा डिफेंस में जा रहा है। सो 3.7% वर्ल्ड वाइड मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा है इस दफ़ा। अमेरिका जो है बहादुर, आपको पता है टोटल वो 877 पे पहुंच गया, 800 से भी ऊपर निकल गया, वो 900% जो है वो उस पर चला गया। और जबकि आप इसको देखें कि जो चाइना है वो 292 पे चला गया, रशिया 86.4 पे चला गया, इसी तरह सऊदी अरब 75 है, इंडिया बीच में 81.44 है, यूके जो कभी देखे कभी जिसने कॉलोनाइज किया हुआ था इंडिया को और पाकिस्तान को वो 68 पे रह गया और इंडिया 81 पे चला गया। और जर्मनी बड़ी यूरोपियन पावर है 55, फ्रांस बड़ी यूरोपियन पावर है 53। सो इंडिया के मुकाबले में वो तकरीबन $30-30 बिलियन नीचे डिफेंस पे बजट में आ रहे हैं। साउथ कोरिया बहुत बड़ी पावर है 46, जापान उससे भी बड़ी पावर है, लेकिन 30-40 अरब डॉलर का डबल का जो है वो फिगर है जो सारा यूरोप ऑस्ट्रेलिया माजरा चाहता हूँ सारा यूरोप ऑस्ट्रेलिया ये पीछे रह गया और इंडिया ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा दिया है। तो दैट टेल्स कि जो स्टोरी है वो कोई इतनी फेवर में नहीं है। पाकिस्तान इससे कितना सिक्योर हो, इनसिक्योर है, ये बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप समझ लें कि ये चीज़ें बताती हैं कि क्या चीज़ें आइंदे मुस्तकबिल में होने वाली हैं। और जारी बात है जो यूक्रेन की वॉर है उसने बहुत सारे मुल्कों को परेशान किया है और कहा जा रहा है कि जो दुनिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो पिछले 8वें साल से कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहा है। दैट इज़ वाई इट हैज़ रीच टू 2.240 ट्रिलियन डॉलर्स। तो आप इसमें ये कर लें कि सिर्फ 13% जो दुनिया का टोटल बजट है वो यूरोप में बढ़ा है, 13% और उनकी जीडीपी, उनकी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है और सिर्फ नेक्स्ट 3 ईयर्स में वो ये पार करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि आप कहें कि आप 250 मिलियन इंडियंस को पावर्टी लेवल से ऊपर ले आए, फिर ये पता चले कि 60 करोड़ इंडियंस पर इम्पैक्ट आया है उन पॉलिसीज का, उन स्ट्रेटजीज का जो कि उनकी गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता 8 से 10 सालों में उठाई हैं और वो स्टेप्स लिए हैं और उनकी इकोनॉमी इस वक्त वहाँ पर पहुँच रही है जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मसला ये है कि ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बात की जाती है कि ये कर देंगे वो कर देंगे और उसके बाद पता ये चलता है कि पता नहीं हवा में उड़ जाती हैं सब बातें, हवाई घोड़े चल रहे होते हैं, हवा में घोड़े उड़ाए जा रहे होते हैं। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आप देखिए
आप अगर सिर्फ उनकी लास्ट 5 ईयर्स भी उठाकर देख लें, उन्होंने कहा कि अब हम ये करेंगे, वो करके दिखा दिए। उन्होंने कहा हम ये समिट करके दिखाएंगे, हम पूरी दुनिया को बुलाकर दिखाएंगे, उन्होंने पूरी दुनिया को अपने कंट्री में बुलाकर दिखा दिए, वो समिट करके दिखा दी। यूनिकॉर्न्स की बात की तो उसमें हमने देखा क्या उन्होंने कमाल करके दिखा दिया। इसी तरीके से मैं ये देख रही थी कि कहा यह जा रहा है कि इंडिया ने जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है उसके बारे में उनकी जो निर्मला साहिबा हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उनका कहना था कि इंडिया अट्रैक्टेड $596 बिलियन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट 9 ईयर्स। मुफ्त खाना फ्राहम करना, राशन प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा काम है जो वो कर रहे हैं। तो देखिए कि एक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क, जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज दरपेश होती हैं आपको जब आपकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, लेकिन उन्होंने इसका उलट करके दिखा दिया। और ये प्रोग्राम्स जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो उस वक्त आपको पता है कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। सस्ते आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सस्ता आटा गिलगित बल्तिस्तान का नारा बन चुका है, और इसके अलावा जो गरीब है वो कैसे पिस रहा है, और इसमें कितने करोड़ नौकरियां मिलनी थी, कितने करोड़ घर बनाए जाने थे, वो सब हवाई बातें हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो बता रहे हैं सैंक्शन 43 करोड़ लोन्स फॉर इंडियन यूथ। अब इससे आप अंदाजा कीजिए कि उनकी साथ ठीक है जी, अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनेंगे कुछ सालों में, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी होगी 2047 तक, 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी का स्टेटस भी ले लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया, और हम 100 साल इसी तरह लड़ते रहेंगे, लड़ते रहे हैं, क्या हुआ क्या ना हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं समझता हूँ डिस्कस होनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। साथ में इंडियंस ये कह रहे हैं कि 250 मिलियन लोगों को मतलब ये है कि जितनी देर नरेंद्र मोदी इंडिया के अंदर वजीर आजम रहे, उन्होंने पाकिस्तान जितनी आबादी के एक मुल्क को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला। देखो किस चीज का एडवांटेज है, इंडिया को इस चीज का एडवांटेज है कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है 2024 की जो पहली यूनिकॉर्न है, ठीक है जी, यूनिकॉर्न इज $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है भाई, और ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेटअप वाले हैं, इनका नाम है कृत्रिम एसआई डिजाइंस। इंडिया की जो पहली यूनिकॉर्न 2024 में आई है, और वो कहते हैं कि इस दफ़ा हम वी होप के हम जो है ना वो जो फंडिंग में कमी आई थी उसको आगे लेके चलेंगे। पाकिस्तान तो कभी जाता है चीन के पास, कभी जाता है कुवैत के पास, कभी जाता है और कहता है कि आओ पैसा लेके आओ, और वो पैसा उस तरह नहीं लेके आ पा रहा। बट इंडिया का इस तरह का माहौल ज़रूर मौजूद है, दैट ऑटोमेटिकली द पीपल आर कमिंग।